यार अभी मैं कर रहा था वीडियो एडिट और एक चीज देखी मैंने, दिखाता हूँ। ये है कुछ एप्पल का वॉलपेपर और रिसेंटली मैं गया हुआ था अंडमान और मैंने कैप्चर करा कुछ ये। तो मुझे पता चला अंडमान खाली 3 जगह से जाया जा सकता है, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट करवाकर मैं पहुंचता हूं पोर्ट ब्लेयर। हाय भैया। तो यार अंडमान का वेदर तो अच्छा है, 25 डिग्री टेम्परेचर है और ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन ये मैंने पहन रखा ना, गर्म है बहुत ज़्यादा। मैंने दिल्ली के हिसाब से पहना था। आप अंकल लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है? यहाँ में सारे लैंग्वेज है लेकिन हिंदी बोलते हैं। अब अंडमान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होती है फेरी, पैसेंजर बोट्स। सर ये फेरी जाएगी लेके हमें डबलॉक आइलैंड और ऑलमोस्ट 2 hours का रास्ता है। अभी आप देख रहे हो यार मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ, वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो ये ट्रिप मेरा अकेले ही है। एक साउथ के क्रिएटर और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है उनसे हम लोग आइलैंड में मिलेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर से फेरी का टिकट करवाकर हम निकल पड़ते हैं 2 hours की ब्यूटीफुल सी समुद्र की जर्नी का टुवर्ड्स इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड हैवलॉक। मैं जो देख रहा हूँ ना, मतलब मैं गोवा गया था, मांडवी देखा था मैंने, तो बीचेस से वो हो गया था कि यार नहीं, बीचेस नहीं होते बढ़िया, मेरा सारा भ्रम टूट चुका है। Crypto.in से अपना पैकेज करवाया था, तो यू कैन ऑल्सो प्लान योर ट्रिप विद ई Crypto.in, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। सर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं हमारे साथ राजी, तो हम दोनों ट्रैवल करने वाले हैं, अंडमान कवर करने वाले हैं पूरा, ठीक है। और मतलब फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा अंडमान का? आप पहले आ रखे हो वैसे? दूसरा बार है। दूसरा बार है यार, मैं पहली बार आया हूँ और इतना सुंदर है, इतना क्लीन है। अब यार राजी इस दफा जिन्होंने इंडिया तो पूरा कवर कर ही रखा है, उसके साथ 25 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर रखी हैं, ये करना है जिंदगी में भाई। बहुत सुंदर लग रहा है और मौसम बहुत सेक्सी हो चुका है, अभी हल्की 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 बूंदाबांदी हो रही है, तो फ्रेश होते हैं फटाफट से, नहाते वहाते हैं, उसके बाद निकलेंगे हैवलॉक एक्सप्लोर करने के लिए। अभी है ना सनसेट हो रहा है, ठीक है, और सनसेट ढंग से हुआ नहीं, बादल बादल आ गए थे और थोड़ा थोड़ा सा वो रेड वाला ग्रेडियंट भी दिख रहा है, और पानी का कलर इतना साफ है और सैंड है वाइट बिल्कुल, इससे सुंदर बीच नहीं देखा मैंने आज तक, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। सर अंडमान में एक चीज़ है, मतलब जैसे वही मैं गोवा गया था 2 months पहले, तो वहाँ पे तो रात रात भर बीच पे बैठे रहो, लेकिन यहाँ पे अभी 6:30 बज रहे होंगे ऑलमोस्ट और सारे लोग जाने लग रहे हैं, बीच खाली हो चुका है बिल्कुल, मतलब 6:30 भी नहीं बज रहे, अभी 6 भी नहीं बजे, तो बेसिकली नाइट लाइफ वगैरह नहीं है अंडमान। सर हम लोग अभी हैवलॉक आइलैंड पे और मेरे आउटफिट से पता चल रहा होगा कि हम लोग जाने वाले हैं अभी स्कूबा करने के लिए। इससे पहले मैंने एक बार गोवा में करी थी स्कूबा, वहाँ की बहुत एवरेज सी थी, मतलब पानी वानी साफ नहीं था।
अंडमान की मैंने जितनी भी स्कूबा सुन रखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट स्कूबा में से एक होती है। कल हम आए थे राधानगर बीच और इतने सुंदर बीच देखे, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंदर कुछ जैसे वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना डिस्कवरी वगैरह पे कुछ आता था, वैसा कुछ देखने को मिलने वाला है। डर मुझे इस चीज़ का है, जब मैंने गोवा में करी थी ना स्कूबा, एक्सपीरियंस नया था, कान में दर्द होने लग गया था, बिल्कुल पानी के अंदर ऐसे घुटन टाइप सी एकदम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, मुझे उस चीज़ का डर है, बाकी तो गाइस ऑल सेट। मिलते हैं पानी के अंदर। डाइव करते ही सब कुछ और ज्यादा ब्यूटीफुल और स्लो हो जाता है। ब्रेन ने सारे थॉट्स साइड कर दिए थे और ध्यान था बस ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट पर। लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ इस कंप्लीटली आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखने का मजा बहुत प्यारा था। एक एक सांस फील हो रही थी और दिमाग में बस एक ही थॉट था, मैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो कभी एक विश हुआ करती थी। बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था। पहले तो जैसे जंप लिया ना, जंप लेते ही पानी के अंदर गए और पानी इतना क्लियर दिख रहा था, इतना क्लियर दिख रहा था। अभी भैया ना जैसे जैसे नीचे ले जा रहे थे, मेरे कान में बहुत प्रेशर फील हो रहा था। मैंने एक बार ऊपर वाला साइन दिया कि मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ, अभी ऊपर लेके जाऊँ। उन्होंने कहा कि एक बार प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर रिलीज करा तब जाके अच्छा था। फिर हम लोग गए नीचे और धीरे 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 जैसे फिशेस दिख रही थी, एक पॉइंट ऐसा आया इतनी कलरफुल फिशेस दिख रही थी, मतलब यार कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, ऐसा लग रहा था 3D ग्लासेस बना रखे हैं। और बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में। अभी क्या है, GoPro का जो अब हाइट है ना, 10 मीटर तक ले जा सकते हैं। इसके नीचे इसके बटन काम करना बंद कर देते हैं, तो इसको नीचे लेके गए हम, रिकॉर्ड हुआ। फिर एक बहुत अच्छा पार्ट था वहाँ पे, GoPro काम करना बंद कर दिया। वहाँ पे क्या था, चली गई क्या देख लिया यार, क्या देख लिया। अब स्कूबा का एक्सपीरियंस इतना कमाल था कि वो सारे विजुअल्स मेरे दिमाग में अभी भी घूमे जा रहे थे। और स्कूबा में होती है डीप सी डाइव, लेकिन मुझे एक चीज के बारे में और पता चलता है, स्नॉर्कलिंग। और वो एक्सपीरियंस करने हम पहुंचते हैं एलिफेंटा बीच। तो यार अभी भैया मेले जाने वाले हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे ये टर्म पहली बार सुनने को मिला था अभी जब मोदी जी ने करी थी स्नॉर्कलिंग लक्षद्वीप में। अब काफी सारी एक्वेटिक लाइफ, काफी सारी फिशेस वाटर के सरफेस से थोड़ा सा ही नीचे होती हैं, और स्नॉर्कलिंग में हम उन फिशेस को, कोरल्स को वाटर के सरफेस से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब स्नॉर्कलिंग जस्ट फील्स लाइक कि एक एक्वेरियम है जिसमें ढेर सारी मछलियां हैं और उसमें आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो स्नॉर्कलिंग और कुछ वाटर एक्टिविटीज करके हम पहुंचते हैं वापस। राजी, आप जो हमारे तेलुगु व्यूअर्स हैं उनको कुछ कहना चाहोगे तेलुगु में? तेलुगु में मेरे कनक इंडियाला मंची बीचेस एक्सप्लोर చేయాలనుకుంటే అండమాన్ మంచి ప్లేస్ అవుతది, ముఖ్యంగా కోరల్స్ గాని స్కూబా డైవింగ్ ఈ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయి, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు। तो यार मेरा ना सी फूड ट्राई करने का बड़ा मन था, मतलब मैंने फिश खा रखी है, प्रॉन्स ट्राई कर रखे हैं मैंने। एक बार
क्रैब लॉबस्टर ये सारी चीज़ें भी खाने का बड़ा मन था, तो हैवलॉक में हमने यहाँ पे पता करा होटल में, इनके पास सी फूड बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, तो आ चुका अपना लॉबस्टर। ये वाला पोर्शन तो चिकन जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये देख के बड़ा डर सा लग रहा है यार। करते हैं लॉबस्टर ट्राई। अब मैं इसे अकेले नहीं खाने वाला, मेरे साथ है राजी द तेलुगु ट्रैवलर, और मैं इसको खाने वाले ख़त्म करने वाले हैं। चिकन जैसे ही लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, बाकी अच्छा बना। अब अगले दिन मौसम और प्यारा हो जाता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है। और हम काला पत्थर बीच देखकर हैवलॉक को बाय बाय बोलकर निकलते हैं नील आइलैंड के लिए। तो भाई मुझे पता चला 2018 में हैवलॉक और नील आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज और शहीद द्वीप रख दिया गया था। तो भाई पहुंच चुके हम लोग नील आइलैंड, और यार एक तरह का पानी इतना सुंदर है ना। हाय भैया, तो भैया जैसे यहाँ पे शादी वादी होती है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, तो बारात किस पे जाती है? फेरी से। अब भैया से बात करते करते मुझे पता चलता है पूरी इंडिया का सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान में ही है। और कुछ किस्से कहानियां सुनते सुनते हम पहुंचते हैं हमारे होटल में। रेडी? तो यार जब हम जेटी पे आए थे तो इतना पानी था, इतना बढ़िया लग रहा था देखने में, बिल्कुल ब्लू ब्लू सा, और इस टाइम पे आए हैं तो देखो तुम डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि लो टाइड हो रखा था, सारा पानी पीछे चला गया और अभी ये रेत ही रेत बची हुई है। तो ये कुछ है भरतपुर बीच, मतलब जब हाई टाइड आएगी तो पानी आगे तक आएगा और सुंदर देखने में लगेगा। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं हमारे पास, तो चलते हैं दूसरे बीच, वो दिखाता हूँ आपको। अब नील आइलैंड में ही एक जगह है जहाँ पर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं मेनली वाटर एरोजन की वजह से, और वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। अब मेन वाला जो नेचुरल ब्रिज था वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम चले जाते हैं थोड़ी सी दूर दूसरे नेचुरल ब्रिज के पास। और बड़ी मुश्किल से डर आ गया, मतलब मुझे यार हट भी रही थी कि भाई पानी एकदम से लेवल बढ़ जाए, हाई टाइड आ जाए तो क्या होगा, लेकिन हमने ड्रोन शॉट ले लिया है और ये देखो तुम यार नज़ारे देख रहे हो। थोड़ा डिनर करने के बाद मैं ऐसे थोड़ा टहलने निकला था गाने वाने सुनते सुनते, और इतना प्यारा लग रहा है ना, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मेरे सामने है ओशन सी, उसकी आवाज़ आ रही है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, डरावना सा भी लग रहा है, लेकिन गाने सुनने में मज़ा बड़ा आ रहा है। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। While exploring Neel Island, we met a beautiful young couple. Doctor. Yes. So. We are doctors by profession. Doctor Manju, Doctor Abhimanyu. I am an orthopedic surgeon. She is a gynecologist. Okay. From Udaipur, Rajasthan. And yeah, we are enjoying the warmth here after the cold of north. Fully, once we have should come here to enjoy this nature, eco-friendly. Many places there are no Wi-Fi. Many things are lacking. But still you enjoy, but you should have one person with you. तो यार देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, जो अंडमान है ना, मैंने यहाँ पे कोई सिंगल लौंडा नहीं देखा, ना ही यहाँ पे लौंडों का कोई ग्रुप देखा,
सिर्फ फैमिलीज एंड कपल्स बस। तो आज हम निकलते हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। सर हम लोग पहुंचने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर, और मतलब मैंने बताया था ना निवाने में जितने लोगों को देखा फैमिली जा रखी हैं या फिर कपल जा रखे हैं, यहाँ पे हमें मिले नवदीप। Hey, तो नवदीप भाई कर रहे हैं सोलो ट्रैवल और इन्होंने करी 3 बार स्कूबा, तो मेरे को काफ़ी इंसाइट्स देखने को मिले। मतलब मैं नील में नहीं करी थी मैंने स्कूबा, इन्होंने बताया नील की स्कूबा बहुत अल्टीमेट है। तो पोर्ट ब्लेयर से करीबन 25 किलोमीटर दूर है चिड़िया टापू, और हम चिड़िया टापू पहुंचकर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो करीबन 40 मिनट ट्रैक करने के बाद जैसे ही हम पहाड़ के टॉप पे पहुंचते हैं, पूरा नजारा बादलों से घिर जाता है और बारिश होने लगती है, लेकिन मौसम खुलते ही कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अब जितना खूबसूरत अंडमान मैंने और आपने देखा, उतना ही खौफनाक था ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। अंग्रेजों ने अंडमान को चुना था काले पानी की जेल बनाने के लिए, ताकि यहाँ से कोई फ्रीडम फाइटर भाग ना सके। और ये सारी कहानी बड़े ही अच्छे से दिखाई गई सेल्यूलर जेल के लाइट शो में। वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलों दिमाग पर छपी हुई। फुल गूज़बम्प्स।